वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूँ एक यादव। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है आज यानी कि 7 मार्च 2019 को, उसके सेट वन का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने क्लास 10th की जितनी वीडियो अपलोड की उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन में हमसे बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज द पॉइंट 1, 4। मतलब क्या है? मतलब कि कोई एक सर्कल है जिसका जो डायमीटर है वो हमें बताया गया है ए बी, जो सेंटर है इसका उसके कोऑर्डिनेट हमें बताए गए हैं 2, -3 और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट हमें बताए गए हैं 1, 4 और हमें ए का कोऑर्डिनेट बताना है। तो मान लेते हैं कि जो ए का कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट ए हैज कोऑर्डिनेट्स x1, y1, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं x2, y2। इसको हम कंपेयर करेंगे x2, y2 से, ठीक है। अब देखो आप एक बात जानते हो कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, मतलब बिल्कुल बीच में होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है एज सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई अगर ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते थे? इसके एक्स को आप निकालते थे x1 + x2 / 2। तो यहाँ पे देखो x1 की जगह x1 आएगा, x2 की जगह कितना यहाँ पे 1 है डिवाइड बाई 2 और बीच में x कितना है 2 है, तो मतलब 2 को आप इसके बराबर लिखोगे। मतलब जो ये 2 है वो बराबर हो जाएगा x1 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 के। तो इसको अगर आप देखो सॉल्व करोगे तो जो यहाँ पे 2 है इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया और यहाँ पे x1 + 1 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। x1 को आप यहीं रहने दो, 1 को माइनस में ले जाओगे, 4 - 1 यानी 3। तो यहाँ से x1 की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 3। इसी तरह से अगर मैं y1 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा? जो यहाँ पर बीच में है यानी -3 वो किसके बराबर होगा? y1 + y2। y2 की जगह कितना है 4, यानी कि y1 + 4 / 2। तो यहाँ पे जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, तो 2 * -3 कितना हो जाएगा? -6। और यहाँ पर क्या बचेगा? y1 + 4। तो यहां से अगर आप 4 को माइनस में लाओगे तो -6 तो पहले से इधर है, +4 आया -4 में, -6 - 4 - 10 होता है, यानी y1 की वैल्यू आ गई -10। हमें बताना था a के कोऑर्डिनेट, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 था, x1 की वैल्यू आई 3 और फिर y1 की वैल्यू आई -10। मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ऐसे पूरा करके नहीं दिखाना होता एग्जाम में एक नंबर वाले क्वेश्चन में क्योंकि एक मार्क का है ये, लेकिन मैंने पूरा प्रोसीजर इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैं एग्जाम में सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने पूरा प्रोसीजर किया है। जिसने सिर्फ ये आंसर भी लिख दिया होगा ना सीधा, ठीक है, उसको भी यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आप सीधा आंसर लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे चॉइस है, चाहे आप ये वाला करो या फिर ये वाला करो, मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं इसकी। यहाँ पे हमसे बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 4x + k = 0 आर रियल। मतलब के की किन वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी गिवन थी मैंने यहाँ पे लिख ली x² + 4x + k = 0। अब क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला गया कि जो रूट्स हैं वो रियल होने चाहिए, तो देखिए रियल रूट के लिए जो डी होता है यानी डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से मैंने लिखा डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो डी की वैल्यू होती है वो कितना होता है? b² - 4ac, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां से इसको आप कंपेयर करना है आपको ax² + bx + c = 0 से, यानी कि जो x² का कोफिशियंट होगा उसको हम a बोलेंगे, यानी कि x² के साथ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ 1 है, और जो x का कोफिशियंट होगा उसको हम b बोलेंगे, यानी b की वैल्यू कितनी है 4 है, और जो अकेली टर्म होगी उसको हम c बोलेंगे, यानी c की वैल्यू k है। तो यहाँ मैंने लिखा b² b की वैल्यू कितनी आई थी 4, यानी 4 का स्क्वायर - 4 * a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू कितनी यहाँ पर k है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 * 1 = 4 हुआ, * k यानी 4k आ गया और यहाँ पे माइनस है, तो 16 - 4k > 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 16 है, दोनों तरफ मैंने 16 माइनस कर दिया, ये 16 खत्म हो गया, यहाँ पे बचा -4k > = और यहाँ पर कितना आ गया -16 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप क्या करोगे, दोनों तरफ आप -4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई -4। तो यहाँ पर -4k था इसको मैंने -4 से डिवाइड किया और यहाँ पे -16 था इसको मैंने -4 से डिवाइड किया। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी होती है वो उलट जाती है। जैसे पहले ग्रेटर देन का निशान था यहाँ पर, अब ये निशान देखो उल्टा हो गया, ठीक है ना, पहले इस तरफ मुंह खुला था अब इस तरफ खुला है। ऐसा तब होता है जब हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे -4 से डिवाइड किया है इसलिए ये इनइक्वालिटी उलट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा k बचेगा और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो चुका है अब ये, और यहाँ से माइनस कैंसिल, 4 * 1 = 4, 4 * 4 = 16 यानी ये 4 आएगा। तो जो k है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये था इसका
क्वेश्चन नंबर टू का पहली चॉइस, अब बात करते हैं दूसरी चॉइस क्या है। अब देखिए जो इसकी चॉइस है वहां पे हमसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 10x + k = 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब कि हमें के की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यानी 3x² - 10x + k = 0। जो पहला रूट है उसको मान लेते हैं कि वो अल्फा है और जो सेकेंड रूट है उसको मान लेते हैं बीटा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रूट्स हैं वो क्या है, रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो बीटा है वो 1/अल्फा के बराबर होगा, यानी कि वो अल्फा का रेसिप्रोकल के बराबर होगा। यहाँ पे आप जानते हैं कि जो इनका प्रोडक्ट होता है अल्फा और बीटा का उसकी वैल्यू आती है C/A, यानी अल्फा इंटू बीटा C/A आएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह कितना आ गया 1/अल्फा = C। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो C की वैल्यू कितनी आ रही है, C की वैल्यू आ रही है K, तो C की जगह मैंने यहाँ पे K लिखा और डिवाइड बाई A होता है, A की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है ना, वापिस से आपको इसको कंपेयर करना है AX² + BX + C = 0 से। तो यहाँ से देखो C की जगह क्या मिल रहा है, K मिल रहा है और X² कोफिशियंट A है, यानी A की जगह 3 मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे K/3 आ गया। तो इसके बाद देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू कितना K/3, 3 इधर मल्टीप्लाई में आएगा 3 × 1 यानी 3, यानी जो K है उसकी वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है वहां पर फिर से हमें चॉइस दी गई है, ठीक है, चाहे आप ये वाला करो या फिर आप ये वाला करो। तो पहले बात करते हैं इसकी, यहाँ पे हमसे बोला गया फाइंड A इफ tan 2A इक्वल टू cot A माइनस 24। तो यहाँ पे मैंने लिखा tan 2A इक्वल टू cot A माइनस 24। तो यहाँ पर देखो tan 2A को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2A, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है कि भाई जो cot 90 माइनस थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, यानी कि cot में से जो एंगल 90 में से माइनस हो रहा है उसको आप tan के साथ लिख दो। तो यहाँ पर इसका उल्टा भी कह सकते हैं हम कि अगर tan थीटा है तो उसको हम cot 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह यहाँ पे आप 2A समझो। तो यहाँ पे cot 90 माइनस 2A था, इसको मैंने किसकी जगह लिख दिया tan 2A की जगह। इससे मेरा फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इस तरफ यहाँ पर cot है और RHS में भी क्या है यहाँ पर cot है, तो cot 90 माइनस 2A ये चीज ऐसी कॉपी कर दो, cot A माइनस 24 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम होता है तो उनका जो एंगल होता है वो आपस में बराबर होता है, अगर बीच में इक्वल टू का निशान था तो इसका मतलब है कि 90 माइनस 2A बराबर हो जाएगा A माइनस 24 के। तो यहाँ पर A को यहीं पे रहने दो, माइनस 2A इधर गया प्लस में, यानी कि A प्लस 2A हो जाएगा, 90 को यहीं पे रहने दो, माइनस 24 इधर आ गया प्लस में। तो 90 प्लस 24 114 होता है, 2A प्लस A 3A होता है, जो यहाँ पर 3 है डिवाइड में आ जाएगा, 114 अपनी जगह रहेगा। 3 से इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2 बचा होगा, 2 के आगे 4 यानी 24, 3 8 जा 24, यानी जो A है उसकी वैल्यू आएगी 38 डिग्री। ठीक है ना, तो ये था इसका पहला पार्ट। जो इसकी चॉइस है बात करते हैं उसकी, अब देखिए जो इसकी चॉइस है यानी और पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया, वहां बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ sin²33° प्लस sin²57°। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को उतार लिया, sin²33° प्लस sin²57°, इसको आप ऐसे ही रहने दो, प्लस sin², देखो 57 को आप ले सकते हो 90 - 33, अगर आप 90 में से 33 माइनस करोगे तब भी आपको कितना मिलना है 57 ही मिलना है, मतलब मैं 57 को इस तरीके से लिख सकता हूं। तो मैंने आप 57 की जगह 90 - 33 लिख दिया, ये ऐसे ही कॉपी कर दो प्लस में। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, थीटा की जगह क्या यहाँ पे 33 है। और इसके बाद आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, थीटा की जगह यहाँ पे 33 आ रहा है, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमसे बोला गया है दो अंकों की कितनी संख्या है 3 से भाज्य है, मतलब हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे पहले मैंने मान लिया कि एन ऐसे नंबर है 2 डिजिट वाले जो कि डिविजिबल है बाई 3। तो यहाँ पे जो 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं वो कौन कौन से हैं, देखो सबसे छोटा जो आपको 2 डिजिट का नंबर मिलता है वो है 10, और सबसे बड़ा जो 2 डिजिट का नंबर मिलेगा वो होगा 99। 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 11 भी नहीं होता, तो सबसे पहले हमें कौन मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 और 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। उसके बाद आप 3 3 बढ़ाते जाओ, यानी 12 प्लस 3
15 आएगा, फिर 18 आएगा, ऐसे करते हुए जो लास्ट में है वो 99, ठीक है ना, ये लास्ट वाला डिवाइड हो जाता है 3 से। तो मतलब ये जो है पूरी की पूरी सीरीज ये 3 से डिवाइड होती है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, क्योंकि इसमें हमेशा तीन तीन का गैप है, तो मतलब ये एक एपी है, ठीक है। और जिसका जो फर्स्ट टर्म है ए, वो कितना है, 12 है, कॉमन डिफरेंस हर जगह 3 का आ रहा है, मतलब डी की वैल्यू 3 है। और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 99, यानी ए एन की वैल्यू 99 है। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला लगाएं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी, हमें वही चाहिए बस, ठीक है ना। तो ए एन की जगह मैंने यहाँ पे 99 लिखा इज इक्वल टू ए, ए की जगह मैंने यहाँ पर 12 लिखा, प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू 3 लिखी। और इसको आप लाओगे 12 को यहाँ माइनस में, तो 99 माइनस 12, बाकी सब सेम, यहाँ पे ऐसे ही कॉपी कर दो। 99 में से 12 घटाओगे तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, जो ये 3 है इसको डिवाइड में ले आओ, एन माइनस 1 यहाँ पे बच जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करोगे 87 को, कितना बचेगा 29, यहाँ बचेगा एन माइनस 1, तो माइनस 1 इधर प्लस में आ जाएगा, 29 प्लस 1 यानी 30, यानी एन की वैल्यू आ गई 30। मतलब 30 ऐसे दो डिजिट्स के नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें एक फिगर दी गई है ट्रायंगल एबीसी की। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि जो डी है वो बीसी के पैरेलल है, और एडी जो है, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर है, और जो बीडी है वो 2 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है क्या रेशो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का, यानी एबीसी इस बड़े वाले ट्रायंगल का रेशो हमें निकालना है इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया के साथ। तो देखिए अगर हमें इनका एरिया का रेशो निकालना है, तो पक्की बात है इन दोनों को पहले हमें सिमिलर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है। तो पहले हम सिमिलर करेंगे फिर एरिया का रेशो निकालेंगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जो 1 नंबर का, उसमें डायरेक्ट आंसर लिखने पे भी हमें नंबर मिलता है, तो इसको हम लंबे तरीके से नहीं करेंगे, इसको हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो पहले शॉर्टकट देख लो, फिर मैं आपको पूरा तरीका भी बता दूंगा इसके बाद। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना था या डायरेक्ट आंसर कैसे जल्दी आएगा वो बताता हूँ, फिर पूरा प्रोसीजर भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो डी है वो बीसी के पैरेलल है। तो पक्की बात है कि जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी है, ये छोटे वाले के सिमिलर होगा ही होगा, हम मन में भी अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे, देखो इसका रेशो इसके साथ बराबर आएगा, इसका रेशो इसके साथ, क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो पक्की बात है कि छोटी वाली साइड का रेशो बड़ी वाली एबी के साथ, और छोटी वाली साइड का रेशो बड़ी वाली यानी एसी के साथ भी बराबर ही होगा, और जो एंगल ए है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो पक्की बात है कि बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले के सिमिलर होगा ही होगा। और जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके एरिया का रेशो उनकी प्रोपोर्शनल साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, ये थ्योरम आपने पढ़ी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं अभी पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा, सिमिलर करके भी दिखाऊंगा, पहले आप समझ लो क्योंकि छोटा तरीका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए बी जो है उसकी वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ए बी इन दोनों को जोड़ के बना हुआ है, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ गया। और ए डी, ठीक है, जो ए डी है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना, 9, 1 का स्क्वायर 1 यानी 9:1, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन इसका जो पूरा प्रोसीजर होगा अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, इसमें जो AD है वो 1 सेंटीमीटर है और जो DB है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से हमसे बोला गया था कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई जो BD डिवाइड बाई AD आएगा, BD डिवाइड बाई AD, चाहे आप AD डिवाइड बाई BD लिखो या फिर BD डिवाइड बाई AD, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने AD डिवाइड बाई BD लिखा होता तो आपको ऊपर यहां पर AE लिखना पड़ता, नीचे EC आता। मैंने यहां पर उल्टा किया, मैंने पहले BD लिखा है ऊपर, तो इस तरफ भी पहले ये आएगा यानी कि CE आएगा, और नीचे मैंने AD लिखा है तो यहां पर नीचे AE आएगा, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। ये मैंने क्यों किया, ताकि हमारा आसानी से आंसर आ जाए। देखो अब यहाँ पे दोनों तरफ आप 1 प्लस कर दो, तो मैंने इधर भी 1 प्लस किया, इधर भी 1 प्लस किया, 1 प्लस करोगे तो AD इंटू 1 क्या हो जाएगा, AD, और BD यहीं पे रहेगा, नीचे कितना आएगा, AD इज इक्वल टू CE, पहले से था AE को 1 ने मल्टीप्लाई किया तो AE इंटू 1 AE हो गया, डिवाइड बाई कितना, AE। अब यहां से अगर आप देखो BD प्लस AD, ठीक है, BD प्लस AD, पूरा AB मिलता है, तो यहाँ पे आ गया AB, और नीचे कितना बचा, AD, और इसी तरह से CE जमा AE, सी जमा ए पूरा क्या बनेगा, AC, ठीक है, और डिवाइड बाई ए। पिछला वाला ही जो क्वेश्चन था 5 जो मैंने शॉर्ट में दिखाया, वही मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ पूरे तरीके से। तो यहां पर देखो AB बटे में AD बराबर AC बटे में AE आ गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, तो पक्की बात है साइड एंगल साइड से, क्योंकि यहाँ पे साइड आ गए दोनों और यहाँ पर एंगल आ गया, तो भाई साइड एंगल साइड से जो ट्रायंगल एबीसी था वो सिमिलर हो गया, जो कि मैंने कहा था क्योंकि 1 नंबर का है तो सिमिलर करके नहीं दिखाना था, फिर भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। अब जैसे ये दोनों सिमिलर हुए, हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, इनकी जो प्रोपोर्शनल साइड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे AB है और यहाँ AD है, तो AB बाई AD के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। AB कितना आएगा, AB ये पूरा है,
ठीक है, यानी कि 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा ए बी, और ए डी कितना है 1 है, तो यहाँ पर मैंने ए बी जगह 3 लिखा, ए डी की जगह 1 लिखा, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, यानी कि 9:1 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हमसे पूछा गया है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3, मतलब अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना है कोई सा भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अंडर रूट 2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 3 डिजिट तक ले लो तब भी काम चल जाएगा। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी 1.414, आपको याद भी होगी अंडर रूट 2 की वैल्यू, और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। अब क्योंकि जो हमें नंबर लिखना है वो रेशनल नंबर है, ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में आप कोई भी नंबर लिख दो जो कि टर्मिनेट हो जाता हो, ठीक है ना, तो पक्की बात है कि वो रेशनल ही होगा। तो यहाँ पर देखो 1.4 है, ठीक है, बाकी दोनों डिजिट आप भूल भी जाओ तो यहाँ 1.4 है, यहाँ 1.7 है, तो पक्की बात है 1.5 इनके बीच में ही आता होगा, और क्योंकि ये डेसिमल टर्मिनेट हो गया है तो पक्की बात है कि ये रेशनल भी होगा। तो एक ये मिल गया, ऐसे आप बहुत से लिख सकते थे, 1.51 लिख दो, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके, ठीक है ना, 1.6 भी इनके बीच में ही आएगा, तो बस हमें एक नंबर लिखना था तो मैंने 1.5 लिखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो सेक्शन बी है हम अगले पार्ट में देखेंगे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।